हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे मीसो बर्थडे डेकोरेशन हॉल वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच माय सब्सक्राइबर्स कि आपको वो वीडियोस इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मेरे इन वीडियोस को मिलता है। उसी से मोटिवेट होकर मैं आप सबके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ कि क्या सच में हमें उस किट में वो सारे आइटम्स मिल गए हैं, कैसी मटेरियल क्वालिटी आपको उस किट में उन सभी आइटम्स की मिल जाती है, और क्या बाज़ार में जब आप को खरीदने जाएंगे तो आपको किस प्राइस रेंज में मिलने वाले हैं, और क्या जब आपने इसको मीशो से परचेज करा है तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो ये सारी ही बातें आज के वीडियो में भी करने वाले हैं। थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं कि आज होने वाला है मीशो बर्थडे डेकोरेशन हॉल। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से। तो अनबॉक्सिंग में हमेशा ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट डिटेल पे क्या क्या मेंशन था और हमें क्या क्या मिल सकता है प्रोडक्ट में। तो हमें हैप्पी बर्थडे डेकोरेशन किट जो कि मैंने मीशो से परचेस की है उसकी प्रोडक्ट डिटेल में मेंशन था कि हमें 31 पीसेस आइटम्स मिलेंगे हैप्पी बर्थडे डेकोरेशन किट में, जिसमें कि हमें ब्लैक और गोल्डन मेटलिक बलून्स मिलेंगे। तो जब मैंने इस को ओपन करा है, अनबॉक्सिंग करी है, तो मुझे ब्लैक कलर के बलून्स मिले हैं और ऑरेंज कलर कह सकते हैं आप या पीच कलर कह सकते हैं उस टाइप के बलून्स मिले हैं। दो फॉइल कर्टेंस भी मेंशन थी तो वो भी मुझे मिल गई हैं, और मुझे हैप्पी बर्थडे बैनर मिला है, उसके साथ साथ मुझे स्टार्स भी मिले हैं। तो हैप्पी बर्थडे बैनर के साथ मुझे स्टार्स भी मिल गए हैं, और एक पाइप भी आप देख रहे होंगे ब्लो करने के लिए आपको पाइप भी मिल जाता है। तो दो आपको ब्लैक कलर के स्टार्स मिलते हैं और दो आपको गोल्डन कलर के स्टार मिलते हैं। तो मैं आपको पूरी ही किट दिखा रही हूँ कि ओपन करने के बाद मुझे सारे ही आइटम मिल गए थे। तो बहुत बार ऐसा होता है मीशो में कि आपको जितने बलून्स लिखे होते हैं उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आप सबके सामने ही काउंट कर रही हूँ कि मुझे 15 ब्लैक बलून्स मिले हैं और 15 ये ऑरेंज कलर के बलून्स मिले हैं, जो कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। इसलिए ही मैं आप सबके साथ ही इनको काउंट करके देख रही थी कि मुझे पूरे पीसेस मिले हैं या नहीं मिले हैं। हैं वो भी मेटलिक बलून्स हैं और ब्लैक कलर के बलून्स भी मेटलिक बलून्स ही हैं। तो बलून्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी। अब मुझे ये मिले हैं स्टार्स, एक ब्लैक कलर का स्टार है और दूसरा जो स्टार है वो आपको गोल्ड कलर का ही मिल जाता है। तो अब मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को प्लेस करूँगी। ये कर्टन वाली जगह है जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को असेंबल करूँगी। मैं आपके साथ एक एक चीज़ को असेंबल करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले बारी फॉइल कर्टन असेंबल करने की। तो अब देख लेते हैं खोल के कि कैसी हमें फॉइल कर्टन टी मिलती है, फॉइल कर्टन की लेंथ हमें कितनी मिल जाती है। तो मैं आप सबके साथ ही इसको ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि फॉइल कर्टन में अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी की आपको ये मिल जाती हैं। आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि लेंथ भी इन फ्रिंजेस की काफ़ी ठीक ठाक दे रखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ख़राब आइटम मुझे रिसीव हुआ है। मुझे फ्रिंजेस की क्वालिटी भी बढ़िया लगी है। आपको मैंने वीडियो में पास से दिखाया है, आप देख सकते हैं कि फ्रिंजेस जो हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो अब बारी है इनको प्लेस करने की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो दूसरी फॉइल कर्टन वो कैसी है, कहीं वो कटी फटी तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार मीशो में ऐसा हो जाता है कि हमें गलत प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। इसलिए मैं आप सबके साथ एक एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या रिसीव हुआ है, क्या उनकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं या नहीं हैं। तो दूसरी बात, फॉइल कर्टन भी मुझे जो है वो ठीक ही मिली है, उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं आया था। आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि इसकी क्वालिटी भी बढ़िया ही मिली है, ख़राब क्वालिटी फॉइल कर्टन नहीं मिली है। और आपको मैं स्क्रीन पे इसके प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ कि किस रेट में मैंने इस मीशो बर्थडे डेकोरेशन किट को ऑर्डर किया था।
उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी जो है वो अभी तक तो मुझे ठीक लगी है। तो अब बारी थी इन फ्रिंजेस को फिक्स करने की। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किट में कोई भी टेप नहीं मिलता है, तो टेप तो आपको खुद का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब भाई 75 रुपीज़ में टेप तो नहीं ही मिलेगा, तो मैंने ये अपना ही टेप यूज़ करा है और इन फ्रिंजेस को प्लेस करती जा रही हूँ, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फ्रिंजेस के बाद अब बारी थी स्टार्स को ब्लो करने की। तो किट में ही हमें पाइप मिल जाता है और ब्लो करने का जो स्पेस दे रखा है उसी से आपको इस पाइप को इंसर्ट करना है। तो जो भी ये स्टार्स हैं उसमें जब आप पाइप इंसर्ट करेंगे और अपने माउथ की हेल्प से एयर को ब्लो करेंगे, तो ये जो स्टार्स हैं ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे, यानी कि अपने प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। तो मैं आपको इनका एक्चुअल साइज़ भी दिखा पा रही हूँ कि आपको ये छोटे वाले ही स्टार्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे से स्टार्स हैं, ब्लैक कलर के और रोज़ गोल्ड कलर के। इनका एक्चुअल साइज़ आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ कि ये इतने ही बड़े साइज़ के स्टार्स आपको मिलते हैं। और ब्लो करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो स्पेस आपको दे रखा है उसमें पाइप इंसर्ट करके आपको बस अपने माउथ की हेल्प से एयर को ब्लो करना है। और ये जो सारे ही स्टार्स हैं ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे, अपने प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न होता है कि इन स्टार्स को कैसे ब्लो करें, इसलिए वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। और इनका एक्चुअल साइज़ आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि जो स्टार्स हैं वो कितने बड़े मिल गए हैं। क्योंकि जब आप इनको इनकी एक्चुअल पिक्चर से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा, इसलिए साइज़ क्लियर हो जाए इसलिए मैंने आपको इनको पास से भी दिखा दिया है। अब बारी है हैप्पी बर्थडे बैनर को रेडी करने की। तो पहले देख लेते हैं कि सारे लेटर्स हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैंने एक किट ऑर्डर करी थी मीशो से, तो मुझे उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग मिले थे, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि उसमें मुझे कौन कौन से आइटम्स मिसिंग मिले थे और कौन कौन से आइटम रिसीव नहीं हुए थे। तो मैं आप सबके लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो शुक्र है कि इस किट में हमें सारे ही आइटम मिल गए हैं और वो रिबन भी मिल गया है जिससे हमें इन सब को लगाना है। तो बस फिर लग जाते हैं इसको अरेंज करने में। तो जो इसमें स्पेसिंग दे रखी है रिबन को इंसर्ट करने की, उसको आपको अच्छी तरह से ओपन कर लेना है ताकि रिबन जो है वो अच्छे से इसमें इंसर्ट हो जाए। तो वो होल्स को प्रॉपर खोल लीजिएगा, आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी खोल सकते हैं या किसी पेंसिल या पेन की हेल्प से भी खोल सकते हैं। तो बस इन स्पेसेस में इस रिबन को लगाते जाना है और अपना बैनर बना लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन सीक्वेंसिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बैनर बना रहे होते हैं तो हमसे उल्टे सीधे बन जाते हैं, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट कहीं भी लग जाता है और बाद में फिर दिक्कत आती है, पूरा बैनर फिर से बिगाड़ के बनाना पड़ता है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ किस तरह से मैं इस बैनर को बना रही हूँ। बस रिबन को उन स्पेसेस में डालते जाना है और सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सही से अरेंज कर लेने हैं। तो मैं आप सबके साथ हमेशा ही अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं, बलून्स वगैरह, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। मतलब 100 रुपीज़ का तो पैक आता है बलून्स का, जिसकी क्वालिटी बहुत बार मेटलिक नहीं होती है, नॉर्मल बलून्स ही 100 रुपीज़ में मिल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 में आपको बलून्स भी मिल रहा है, हैप्पी बर्थडे बैनर भी मिल रहे हैं और चार स्टार आपको मिल जाते हैं, 2 ब्लैक कलर के, 2 रोज़ गोल्ड कलर के। और इन सबको जब आप फिक्स करेंगे और इन सब का रेट जब आप मार्केट में पूछेंगे तो 75 में तो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज की ये किट है। अगर आप
चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। इसका कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस ये जो बैनर है वो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब बस बारी है इन सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह लगाने की। तो मैं आपको बलून्स की क्वालिटी भी दिखा देती हूँ कि बलून्स की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है। मतलब जो ब्लैक कलर के बलून्स थी उनकी क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और जो दूसरे वाले बलून्स थे उनकी क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल जाती है। तो बस अब मैंने इन सब चीज़ों को फिक्स कर लिया है, आप देख सकते। तो सबसे पहले मैंने फ्रिंजेस लगाई हैं, उसके बाद हैप्पी बर्थडे बैनर लगाया है, और फिर बलून्स जो हैं उन सबको भी लगा लिया है। तो अगर आपके पास बलून ग्लू हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं, या टेप की हेल्प से भी बलून्स को लगा सकते हैं। तो बस सब चीज़ें फिक्स होने के बाद कैसी लग रही हैं, आप भी अगर इस किट को परचेस कर चुके हैं तो अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल रिज़ल्ट कि मेरा जो बर्थडे डेकोरेशन किट था वो अब पूरी तरह से लग चुका है। आप बता सकते हैं कि आपको ये किट कैसी लगी है। तो आज मैंने आप सबके साथ अफोर्डेबल रेंज की, मतलब सुपर अफोर्डेबल रेंज, या 75 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, उसमें इतने सारे आइटम्स मिल गए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आपने भी इस किट को परचेस कर रखा था, या विशलिस्ट करके बैठे हुए हैं, इसके रिव्यू का वेट कर रहे थे। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड किट है ये, आप इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो जो ऑर्डर डिटेल में मेंशन था वो सारी ही चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। और बाकी तो पूरा वीडियो आपने देखा ही है किस तरह से मैंने चीज़ों को अरेंज करा है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है, नए हैं इस चैनल पर, नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।